अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे। भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और जो बहुत दिन से आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है गाड़ी खरीदना, वह कर सकते हैं नहीं, उसके भी बारे में बताएंगे। घर बनाने का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। माता पिता से कैसे संबंध होंगे, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। नौकरी किस फील्ड में करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और आज आप विदेश यात्रा जाने वाले हैं, उसका क्या होगा। और आज आपको मेडिकल फील्ड में क्या करेंगे, टेक्निकल फील्ड में क्या करेंगे, और आध्यात्मिक प्रगति क्या होना है, इस पर भी आज हमसे चर्चा करेंगे। आपके भाइयों के प्रति आपकी क्या रहेगा, भाइयों का क्या सहयोग करेंगे, माता से आपको क्या सुख मिलने वाला है, माता का कैसा आशीर्वाद प्राप्त होगा, उस पर भी बात करेंगे। और अपने अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करें जिससे आपको सुख मिले, उस पर भी बात करेंगे। आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या हो सकता है, दान पुण्य क्या करें, इस पर भी आज हम आपसे बात करने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपकी यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में कोई भी एफर्ट कर रहे हैं तो आज आपको बड़ी नौकरी मिल सकती है, खासतौर से एजुकेशन के फील्ड में आज बड़ा कुछ कर सकते हैं। यदि आपने स्टेट सर्विस के लिए, अगर प्रशासनिक सेवा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दिया है तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। दूर देश की यात्रा से थोड़ा मन व्यथित हो सकता है, आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है, तीर्थाटन इत्यादि होने की संभावना बन रही है। माता पिता का सुख मिलेगा, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं होगी कार्य रूप में होते हुए दिख रहा है। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें और अज्ञात व्यक्ति से कोई भी लेन देन न करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं भूमि भवन खरीदने के लिए तो यह समय बहुत ही उचित है, इसमें आपको भूमि भवन से लाभ मिलेगा। अगर खरीदते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा, आप स्कूल कॉलेज इत्यादि भी खोल सकते हैं, बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा समय चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हैं तो यह समय भी, यह कालखंड भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखा जाए तो दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, संततियों की प्रकृति से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्मी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी आज का दिन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिल्म प्रोड्यूसर का काम कर सकते हैं, खेल के क्षेत्र में बड़ा कुछ कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश से पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आयात निर्यात का भी योग बन रहा है। टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, उसकी भी प्रबल संभावना बन रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें तो नुकसान हो सकता है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि ओम लक्ष्मी नारायण भ्यो नमः या ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और भगवान श्री गणेश की आराधना करें, पंचमेवा का खीर उनको अर्पित करें, और गरीबों को मंदिर में खिचड़ी जरूर खिलावें या बंदरों को केला दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 9 है, अशुभ रंग पीला है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।